Welcome back, students. अच्छा, लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 में हमने चीज़ें डिस्कस की थी, इंटरनेटवर्किंग बेसिक्स, ठीक है, नेटवर्क को डिफाइन किया था, हमने इंटरनेटवर्किंग बेसिक्स को के बारे में आपको थोड़ी बहुत डिटेल दी, जो कुछ डिवाइसेस थे इंटरनेटवर्किंग के, उन्होंने मेरे ब्रॉडकास्ट स्टूडेंट के हमने बात की। फिर हम इस स्लाइड पे पहुँचे थे और यहाँ पे हमने कहा था कि हमारे पास जो है एक सिंपल नेटवर्क है, इसमें दो ही यूजर्स हैं, एक बॉब है, एक सैम। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो जितने भी डायग्राम्स आपको दिखाए जाएंगे उसमें जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं ना, उनके लिए कुछ सिंबल्स यूज हुआ करेंगे। अभी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हब है, तो इसके लिए ये सिंबल यूज़ होगा, डिवाइस हब। अभी तो लिखा हुआ है इसके साथ हब, लेकिन आगे जाकर हो सकता है ना लिखा हुआ हो, तो आपने इसको याद रखना ताकि आगे डायग्राम में आपको कंफ्यूजन ना हो। दीज मॉनिटर्स, दीज रिप्रेजेंट्स होस्ट यूजर्स इन नेटवर्क, ठीक है, दीज आर डिफरेंट लाइंस वायर्स के जरिए ये होस्ट जो है इस डिवाइस के साथ कनेक्ट है। हब क्या होते हैं, ठीक है, हब एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है, डमी डिवाइस है, ये कुछ भी नहीं कहता, बस ये होस्ट से डेटा रिसीव करते हैं, फॉरवर्ड कर देता है। इसके अलावा हमारे पास स्विच भी होता है, ब्रिज भी होता है और राउटर भी होता है, और आगे जाते हैं इसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। लेकिन खुद से भी आपने जो बुक्स मैंने आपको रेफरेंस बुक्स बताए हुए हैं वहाँ से आपने इसको स्टडी करना। तो यहाँ पर हमने बात की पिछले पार्ट 1 में कि इस नेटवर्क में दो इशू है, एक कोलिजन डोमेन का है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का है। कोलिजन डोमेन क्या होती है, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होती है, ये फॉर्मली आपको आगे जाके अभी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना चाहूँ। ये इससे मुराद ये कोलिजन डोमेन प्रॉब्लम से मुराद ये है कि अब यहाँ पे अगर बॉब मैसेज सेंड करना चाह रहा है और सैली भी उसी टाइम मैसेज सेंड करना चाह रही है, और दोनों ने सेम टाइम पर एट द सेम टाइम मैसेज सेंड कर दिया, तो वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हब है उसकी कोलिजन डोमेन सिंगल होती है। और ब्रॉडकास्ट डोमेन का इशू ये है कि अगर बॉब ने ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ज़रिए मैसेज सेंड कर दिया, तो वो चूँकि हब की जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो एक ही है, तो वो इस हब के साथ कनेक्ट तमाम यूजर्स को वो मैसेज मिलेगा, ठीक है, वेदर दे नीड इट और नॉट, वो उसको रिसीव करेंगे और वो उसको प्रोसेस करेंगे। इससे ये होगा कि आपकी ट्रैफिक कंजेशन जो है वो ज़्यादा है। तो ये दो इश्यूज़ हैं। अब जो कोलिजन डोमेन का इशू है कि भाई बॉब और सैली जो है वो एक टाइम पे मैसेज सेंड नहीं कर सकते, एक वेट करना पड़ेगा दूसरे का, उसको हल करने के लिए हम लोग स्विच को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने नए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यू कैन सी ऑन द लेफ्ट we have the same previous network, while the network shown on the right has a switch now. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्विच लगा हुआ है S1, और इसके सिंबल को भी देख के याद कर लें, आगे जाके हो सकता है ये इसके साथ ना लिखा हुआ। Now Bob and Sally can send a message at the same time, as they lie both in different collision domain, separated by the switch S1. ये स्विच जो है बाय डिफ़ॉल्ट उनकी कोलिजन डोमेन डिफरेंट होती है। ये जो तार आपको नज़र आ रही है इसके साथ अभी तो खैर ये सैली ही कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे अगर आप और मज़ीद उसको यूजर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो वो अलग अलग कोलिजन डोमेन में लाइव कर रहे होंगे, यानी वो एट द सेम टाइम मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये भी कनेक्शन है और ये आगे जाके एक और नेटवर्क सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तमाम यूज़र जो है ये सेम कोलिजन डोमेन में लाई कर रहे हैं और ये अलग है इस नेटवर्क सेगमेंट से। अच्छा, बट द प्रॉब्लम ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन रिमेन स्टिल एज स्विचेस डू नॉट ब्रेक्स अ ब्रॉडकास्ट डोमेन, इट मीन अ बोब सेंड अ ब्रॉडकास्ट मैसेज देन ऑल द यूजर्स इन द नेटवर्क इंक्लूडिंग जॉन एंड सैली विल हैव टू लिसन एंड प्रोसेस इट even if they don't need to. So to remove the broadcast issue, we add a router to our network. You can see the three different networks. Routers create an inter-network. You see that if Bob send a broadcast message, that message will pass from S2 to the router R1, which will block it from passing to Sally. You can see this cross.
symbol over here. So routers not only break down collision domain but also break down broadcast domain. And Bob wants to talk with Sally. He has to send a packet with a destination address using her IP address. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने राउटर को रिप्रेजेंट कर दिया, ऐड कर दिया, ये राउटर का सिंबल। राउटर जो है वो ना सिर्फ ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करते हैं और बल्कि वो कोलिजन डोमेन को भी ब्रेक करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे कोलिजन डोमेन वाला इशू हल किया स्विच के जरिए, फिर हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन वाला इशू भी हल कर दिया स्विच राउटर के जरिए। अच्छा, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर अ नेटवर्क कंजेशन? नेटवर्क कंजेशन क्यों होती है? Causes of traffic congestions are too many hosts in a broadcast domain, number 2, broadcast storms, number 3, low bandwidth, number 4, multicasting. Because these four are different causes of traffic congestions. इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो broadcast domain है उसमें number of users जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये single broadcast domain, ठीक है, ये पिछली स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ ब्रॉडकास्ट डोमेन को समझाने के लिए। ये इसमें दो यूजर्स, ठीक है, अब अलग सपोज ये दो की बजाय 200 होते हैं तो ट्रैफिक कंजेशन, जैसे जैसे आप अपने यूजर ब्रॉडकास्ट डोमेन में बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके ट्रैफिक कंजेशन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी पूरा नेटवर्क जो है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में लाइक आता है, तो कितने हैं 3 है। यहाँ पे दो ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि राउटर जो है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करता है, तो ये दो ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में पड़े हुए हैं, ये अलग है, तो ये दो है, इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में दो है और इसमें भी दो। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने ब्रॉडकास्ट डोमेन को कम से कम, उसमें नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो कम से कम होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट सोम्स यानी आपके जो यूजर्स हैं वो ज़्यादा मैसेज सेंड कर रहे हैं यूजिंग ब्रॉडकास्ट एड्रेस, क्या वो मैसेजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है, तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स जो है वो तो रिसीव सारे यूज़र करेंगे और उसको प्रोसेस भी करेंगे, उसकी वजह से भी आपकी ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा हो सकती है। बैंडविड्थ ही आपकी कम है, ठीक है, तो भी आपकी ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा होगी। मल्टी कास्टिंग से मुराद ये है कि आप सारे यूजर्स को तो एक मैसेज सेंड नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन आप एक से ज़्यादा को सेंड कर रहे हैं। मल्टीकास्टिंग मीन टू ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली टू मैनी यूजर्स ऑन नेटवर्क। अच्छा, इसके अलावा राउटर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्क्स टुगेदर एंड राउट पैकेट्स ऑफ डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी डिस्कस कोलिजन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रीफली, बट लेट्स डिस्कस इट यूजिंग अ सैम्पल नेटवर्क डिजाइन इन डिटेल। Broadcast domain, if we define broadcast domain can be defined as the set of all devices on a network segment which are allowed to hear all broadcasts sent out on that specific segment. While collision domain is an Ethernet term used to describe a network scenario in which one device sends a packet out on a network segment and every other device on that same segment is forced to pay attention no matter what. This isn't very efficient because if a different device tries to transmit at the same time, a collision will occur, requiring both devices to retransmit one at a time. This happens a lot in a hub environment where each host segment connects to a hub that represents only one collision domain and a single broadcast domain. By contrast, each and every port on a switch represent its own collision domain, allowing network traffic to flow much more smoothly. जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने इन डिवाइसेस को उनके सिंबल्स के जरिए देखने होंगे। ये आप स्विच, यहाँ पे भी दो स्विच लगे हुए हैं, ये दो तीन हब लगे हुए हैं, ठीक है, ये राउटर है, ये आपने अभी तक नहीं देखा था, ये ब्रिज है, इसी तरीके से ये दोनों हब है। इस इनके साथ लिखा भी हुआ है कि आपकी जो राउटर है, हाँ राउटर के साथ तो नहीं लिखा लेकिन राउटर का बताता चलो ये ब्रॉडकास्ट और कोलिजन डोमेन को ब्रोक करता है, डिवाइड करता है। इसी तरीके से हब जो है, हब कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन किसी को भी डिवाइड नहीं करता, उसकी एक ही होती है। इसी तरीके से
जो स्विच है वो कोलिजन डोमेन को तो डिवाइड करता है, मैनी करता है, लेकिन आपकी जो वो है ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो उसको डिवाइड नहीं करता। ब्रिज भी ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड नहीं करता और कोलिजन डोमेन को डिवाइड करता है। तो ये सारा कुछ आज के लिए था, ठीक है। आप हमारे पार्ट 2 के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, पार्ट 3 में। थैंक यू।